अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शॉपिंग से। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी है। तो बस मैं अपनी शॉपिंग स्टार्ट करती हूँ, जो कि एक्चुअली मेरी शॉपिंग नहीं है, ये मैं शॉपिंग करने के लिए आई हूँ अपनी सिस्टर की, क्योंकि सिस्टर जो है वो बिज़ी थी। तो सिस्टर ने कहा कि मैं यहाँ से सूट लेके गई हूँ, तो वो साइज़ में थोड़ा इशू हो रहा था उनके बेटे का, तो उन्होंने मुझे चेंज करवाया था। तो बस यहाँ मैं इनका स्टफ़ देख रही हूँ, माशाल्लाह स्टफ़ इनका बहुत अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट हमने स्टेप लिया था अपना बैग्स की तरफ, हैंड बैग्स जो होते हैं लेडीज़, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी वैरायटी उनकी आई हुई थी। तो इसमें से हमने एक जो है वो सेलेक्ट किया था, तो बस वो हम ले जाएंगे बाजी के लिए। फिर बाजी को जो समझ में आएगा तो वो ले लेंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा था ब्लैक एंड ब्राउन का। शॉपिंग में तो हमें बहुत मज़ा आया, फिर हम नेक्स्ट गए थे ब्लैक एंड ब्राउन, क्योंकि मेरी सिस्टर ने जो है वो अपने भांजे को, यानी कि हमारा जो भांजे हैं उनको सरप्राइज़ देना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए थे केक लेने, जो कि बहुत ही यमी यमी से थे, बहुत ही अच्छे थे। तो बस हमने उसमें राइड भी करवा लिया था, उनको सरप्राइज़ देना था, हमने उनके वन के कम्प्लीट हो गए हैं ये एम ब्लॉक के। तो बस हमने यहाँ से जो है केक जो है कलेक्ट किया, फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे बच्चों की चीज़ बलून्स वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ हम लोग चीज़ ले रहे हैं, बच्चे चॉकलेट चिप्स वगैरह ये शौक से खाते हैं, तो यहाँ से हम बच्चों की चीज़ें ले लेंगे। आज सारा काम जो है वो बाजी का ही मैंने किया है, अपनी बड़ी बहन का, बाज़ार का। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, तो बहन ने जो है पिज़्ज़ा बनाया हुआ था, ये बहन के हाथ का पिज़्ज़ा है जो मुझसे छोटी हैं, और मेरी सबसे बड़ी बहन ने जो है वो सिंधी बिरयानी बनाई हुई थी और इतनी यमी बनी हुई थी माशाल्लाह। तो जब हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो हम लोग कुकिंग जो भी है हम लोग अपना काम करते हैं, और लड़कियां काम करती हुई ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने उनको अपने घर बुलाया था, इनवाइट किया था। तो बस जो भी मेरी तैयारी होगी वो मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट करूँगी, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि दामाद जो होते हैं, जो कि मेरा आज का टाइटल भी है, तो दामाद जो हैं वो गैरतमंद ही अच्छे लगते हैं, जो कि वो गैरतमंद ही अच्छे लगते हैं, जो कि अपनी कमाई पे अपनी बीवी को पालने ना के ससुराल के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाए, खा रहे हैं पी रहे हैं मज़े कर रहे हैं ऐश कर रहे हैं ससुराल में, और घर में जो है मतलब कि अपना कोई है ही नहीं, बीवी को भी मेके जाने की आदत है, मेके में ज़्यादा रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का इस तरह का माहौल नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अब्बू के जो पाँच दामाद हैं पाँचों के पाँचों गैरतमंद हैं माशाल्लाह से। तो ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और इतनी समझ तो बेटी में भी होनी चाहिए कि जब आपकी शादी हुई है तो आप अपना घर संभालो, ना कि आप मेके में आके बैठ जाओ। तो बस यही मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि बेटी को जो है समझदार और दामाद को गैरतमंद होना चाहिए। और यहाँ जो है मैंने अपनी चाय नाश्ता जो भी था, क्योंकि उन लोगों ने फ़ोन कर दिया था कि हम लोग रास्ते में हैं, तो मैंने जल्दी से ये फटाफट रेडी कर लिया था, तो मैंने ये लगा दिया है नाश्ता। मैक्रोनी बनाई थी, दही बड़े बनाए थे, थोड़े पकोड़े बनाए थे साथ में, और बस जल्दी से मैं ये लगा दूँगी। और ये मेरी बड़ी सिस्टर की दूसरे नंबर की बेटी हैं, और ये उनसे छोटे उनके बेटे हैं। बस ये सिस्टर ने सारा वहाँ पे दस्तरखान लगा लिया था, और मेरी बहनें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, तो जल्दी से मैं किचन में आ गई थी कढ़ाई तैयार करने के लिए, रेसिपी में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस जल्दी जल्दी मैंने खाना लगा दिया है, क्योंकि टाइम हो गया था, एक तो ये वैसे ही लेट आए थे फिर जाने की कर रहे थे। तो खाने में जो है मैंने कढ़ाई बनाई थी चिकन की, और साथ में मीठे में खीर थी, और इनके छोटे साहबजादे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नोटी हैं माशाल्लाह से, तो अभी ये बाइक पे बैठे हुए हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो बस ये इनको कमरे में ही हमने रखा हुआ है अभी। और यहाँ जो है मैंने दस्तरखान भी लगा दिया था, तो बस दस्तरखान ये लोग खाना खा लेंगे, फिर चाय जो भी होगा, साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक भी रख दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गेस्ट ने जो है वो खाना खा लिया था, अब हम खाने की बारी आती है हमारी। फैज़ान भी आ गए थे, वो हो गए थे फ्रेश होने के लिए, तो बस मैंने चाय भी रख ली थी, क्योंकि गैस का आपको पता है कि गैस चली जाती है, और साथ के साथ ये बर्तन देखें, मेरी छोटी बहन जो है वो
यहाँ पे वॉश करके गई थी। हम पहले कहीं भी जाएँ एक दूसरे के घर में तो काम हाथ पे हाथ रख के बैठते नहीं हैं कि नहीं हम मेके आए हैं तो हम बैठ के खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी बहनें जो हैं वो एक दूसरे के जब भी घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम करवाते ज़रूर हैं, एक के ऊपर बर्डन नहीं डालते। तो बस यहाँ देखें ये सारा किचन मेरा साफ़ हो चुका है, थोड़े से बर्तन हैं वो मैं वॉश कर लूँगी और बाकी तो सिस्टर साफ़ करके गई हैं। तो बस मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।